प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे बताया गया कि पूरे मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और इसी तरह से बहुत सारी मस्जिदें भी निशाने पर हैं। अब शिमला में भी एक मस्जिद के खिलाफ ये हो रहा है। इसके लिए जो कुछ कार्रवाई होगी वो हम करने जा रहे हैं और जो कुछ हमसे हो सकता है वो सब काम हम कर भी रहे हैं। लेकिन वो मंत्री ने एक बात खड़ी की है तो इसके खिलाफ हम लोग भी वहाँ पर एक बात रखी हुई है, वो लोग भी वो कर रहे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मामले को हम कंट्रोल कर लें। बस मुसलमान जो करना है वो करते ही हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसके खिलाफ लीगल कार्रवाइयाँ जो होनी, जैसे अभी एक लीगल कार्रवाई हुई और कोर्ट ने जैसे कि ये इसके खिलाफ जिसको कहते हैं कि बुलडोजर के खिलाफ दिया। शिमला में एक मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है और बहुत भीड़ वहां पर जो है मस्जिद को गिराने के लिए प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना है? वो इस सवाल पैदा हुआ था और उसका जवाब हमारे इंजीनियर साहब ने दिया है कि वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे बताया गया कि पूरे मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और इसी तरह से बहुत सारी मस्जिदें भी निशाने पर हैं। अब शिमला में भी एक मस्जिद के खिलाफ ये हो रहा है। आज के हमने अखबार में तो देखा है कि अब वो उनके मुख्यमंत्री जो हैं उनका ये कहना है कि बहुत शांतिपूर्ण है और हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ऐसी गवर्नमेंट, मान लो कि शिमला में जो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट है वह कांग्रेस की है और उनका यह दावा है कि भाई हम सांप्रदायिकता को हम बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके साथ साथ हर धर्म के लोगों को अपने अपने तौर पर यहाँ पर यानी उपासना करने का और इसका सारे हकूक़ हैं, तो इस सिलसिले में वहाँ की गवर्नमेंट को तो इसको देखना ही चाहिए कि ये इस तरह का काम और वो लीगली अगर है तो फिर इसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस राज में भी ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आरोप तो सिर्फ बीजेपी पे। हाँ, वही तो हमने कहा कि कांग्रेस राज में भी ये हो रहा है और कांग्रेस राज में हो रहा है कोई नई बात तो है नहीं। कांग्रेस के मंत्री भी उसमें शामिल हैं जी, कांग्रेस के मंत्री भी शामिल हैं। देखिए, इसमें हमने ये कहा कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर का आज ही हमने जो अखबार में पढ़ा है कि इसने ये कहा है कि हमने इसको कंट्रोल किया है और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसलिए अभी इस एक वाक्य पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें मुलव्वस हो गई है। भाई एक मंत्री कह रहा है लेकिन हम इसके सामने मुख्यमंत्री भी कुछ कह रहा है, इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि ये पूरा प्लान जो है किसी पार्टी का है, पूरी कांग्रेस पार्टी का है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो मंत्री ने एक बात खड़ी की है तो इसके खिलाफ हम लोग भी वहाँ पर एक बात रखी हुई है, वो लोग भी वो कर रहे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मामले को हम कंट्रोल कर लें। पर सरकार कोई सी भी हो लेकिन निशाना मुसलमान क्या? आपको नहीं लगता कि अगर मंत्री सरकार की पॉलिसी से अलग कोई बात कह रहा है तो उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर पार्टी का भी वो नहीं है और फिर हमारा दस्तूर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर ये कह रहा है कि हर किसी को अपने हुकूक हासिल है तो इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि होनी चाहिए, हटा दिया जाए मंत्री को उसको, वो तो उनको तय करना है। हम तो यही कहेंगे, हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे मंत्री होने ही नहीं चाहिए कि जो यानी इस तरह से यानी विवाद खड़े करते हों, नफरत की राजनीति करते हों, तो इसके लिए तो उनको करना चाहिए। सरकारें कहीं की भी हों, घर भी मुसलमानों के टूटे, निशाने पर भी मस्जिदें रहेंगी, मुसलमान करे तो करे क्या और तंजीमें क्या? बस मुसलमान जो करना है वो करते ही हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसके खिलाफ लीगल कार्रवाइयाँ जो होनी, जैसे अभी एक लीगल कार्रवाई हुई और कोर्ट ने जैसे कि ये इसके खिलाफ जिसको कहते हैं कि बुलडोजर के खिलाफ वो दिया है, ऑब्जर्वेशंस नहीं है इसको, आप कैसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं? इसके खिलाफ हम लीगल कार्रवाइयाँ भी करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन। नहीं, अगर जो टूट गया कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, लेकिन जिसका टूट गया उसके लिए मुआवजे की तो कोई बात ही इसके लिए मुआवजे की भी बात हो रही है, इसके वो मुआवजे के लिए तो गए हुए हैं, वो अब तो जो टूट गया है इसके बाद जाने का मतलब क्या है? वो मुआवजे के लिए ही गए हैं और मुआवजे के लिए भी होगा वो सारी चीजें, वो तो बात हमने कह दी, हमने अवैध निर्माण है वो सब भी देखा जाएगा, वैध है का अवैध है, कह देने से कोई अवैध नहीं होता। आप उनके खिलाफ जो मंत्री गलत कर रहे हैं, जो गलत बयानी दे रहे हैं, क्या कोर्ट जा रहे हैं आप उनके खिलाफ, कोर्ट में संज्ञान ले रहे हैं? इसके लिए जो कुछ कार्रवाई होगी वो हम करने जा रहे हैं और जो कुछ हमसे हो सकता है वो सब काम हम कर भी रहे हैं। जब इस तरीके के मामले आते हैं आपका क्या
प्रतिनिधित्व रहता है इन घटनाओं को लेकर, क्योंकि बहुत उम्मीद है लोगों की। हमने कहा ना कि हम तो हमेशा करते ही रहते हैं, इसके खिलाफ यानी कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, इसके खिलाफ यानी गवर्नमेंट के सामने बात रखनी होती है हम वहाँ वो करते हैं, इसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन जो डेवलप करना होता है वो पब्लिक ओपिनियन भी हम डेवलप करते हैं, जो काम होता है इसके सिलसिले में वो काम करते हैं। आप वहाँ पर जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर का मामला सामने आया है, आपको क्या लगता है उसमें कहाँ सरकार ने गलती की है, क्या कुछ कानूनी तौर पर गलत है और आपने वहाँ पर आखिर क्या देखा? बस हमारा ये कहना है कि अभी जो 28 लोगों को डिटेन किया गया है, इसमें ये जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है इसका पूरा रोल हमको बायस दिख रहा है, और कानूनी प्रक्रिया जैसे पूरी होनी चाहिए ऐसी पूरी नहीं हुई है, और तीसरी बात यह है कि ये ऐसे लोग हैं कि जो इससे बिल्कुल नावाकिफ लोग, बहुत गरीब भी हैं, इसके साथ साथ इलिटरेसी भी उनमें है, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अपनी बात पेश कर सके ऐसी भी उनकी कंडीशन नहीं है, और वो यानी प्रोसेस लीगल प्रोसेस कर सके वो मौका भी उनको नहीं दिया गया है, तो ये सब चीज़ें जो गलत है जो नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस में क्या गलती हुई है आप बता सकते हैं थोड़ा डिटेल से? किसके प्रोसेस में? लीगल प्रोसेस में क्या गलती हुई? हम ये तो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो कुछ भी पूरे एविडेंस के साथ जो आना चाहिए वो नहीं आया है, और ऐसे ही यानी फिर उनको उठा के अंदर डाल दिया, उनको ये नहीं बताया गया कि आपके खिलाफ यानी क्या एविडेंस है जो यानी ये वो सबूत है जिसके बुनियाद पर आपको विदेशी करार दिया जा सकता है, वो तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है।